मीनाक्षी नटराजन एक सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता हैं जो लोकसभा सांसद रह चुकी हैं। उनका जन्म 1973 में नागदा में हुआ। उनकी पढ़ाई देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी उज्जैन में हुई। वह NSUI की प्रेसिडेंट रह चुकी हैं और मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस की भी प्रेसिडेंट रह चुकी हैं। वो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की सेक्रेटरी थी 2008 में। इस समय मीनाक्षी पंचायत के स्तर पर राजनीतिक कार्यों में जुटी हैं और वो दो किताबों की लेखिका हैं। नमस्कार मीनाक्षी जी, स्वागत है आपका अहिंसा कॉन्वर्सेशन। जय जगत। जय जगत। जय जगत। बहुत बहुत शुक्रिया आपने अहिंसा कॉन्वर्सेशंस के लिए समय निकाला। तो बचपन से आपकी सबसे पहली याद क्या होगी अहिंसा के विचार या उसके अनुभव के बारे में? ये बहुत अच्छा सवाल है। बचपन का तो मैं इतना ही कह सकती हूँ कि जैसा कि एक सेमी संयुक्त परिवार में होता है कि बहुत सारी यादें जो बचपन की होती हैं वो साथ में अपने साथ पले बड़े चाचा काका मामा के बच्चों के साथ जो एक ननिहाल और एक संयुक्त साथ में बिताई गई छुट्टियों की यादें होती हैं और उसमें सुनी गई कहानियां होती हैं। तो वो यादें हैं। तो अहिंसा को हम ऐसे समझते थे कि हमारे घर में नानी को बिल्कुल पसंद नहीं था कि हम लोग सभी बच्चे ऐसे ही होते हैं कि चीटियां चलती हैं तो मारना अच्छा लगता है। तो उस पर उनका ध्यान होता था कि किसी को हमें नुकसान नहीं पहुंचाना है और वो हमारे लिए उस वक्त बहुत ही मतलब मजेदार बात होती थी कि अच्छा इसका भी कुछ है क्या, मतलब ऐसी सोच होती थी। लेकिन वो बहुत उसको लेकर पर्टिकुलर थी। लेकिन मैं आपको ये कहूंगी कि काफी बड़े होने पर हमारे घर में मेरी एक बड़ी मम्मी है, मेरे अब वो नहीं रही, लेकिन उन्होंने मैं कह सकती हूँ कि अहिंसा के सबसे अच्छे उदाहरण घर में प्रस्तुत किए। और वो मेरे लिए वो एक तरह से ऐसा उदाहरण है कि जिसमें जिसको लेकर ही मैं अपने बारे में सोचती हूँ कभी भी, कि वो एक तरह का एक कसौटी है। तो उनके जीवन से दो बातें हैं जो मैं रखना चाहती हूँ और वो मेरे लिए, क्योंकि मैं उसे कभी भूल नहीं सकती। तो उनके साथ ऐसा हुआ कि उनके हस्बैंड यानी मेरे जो बड़े अंकल हैं वो एक बार मॉर्निंग वॉक में गए और ये काफी तब तक भी उनकी उम्र थी। तो उनका एक रोड एक्सीडेंट हो गया, इन द सेंस कि पीछे से बाइक ने आकर टक्कर मारी। और ये समझिए कि वो तब तक बहुत ही एक्टिव और बहुत मतलब चुस्त व्यक्ति थे और उस एक्सीडेंट के बाद मतलब उन्हें सर पे चोट लगी और उसकी वजह से उनका जीवन एक तरह से हमेशा के लिए भी बदल गया। वो चलने फिरने वापस लगे थे लेकिन बहुत कुछ भूल जाते थे, उनकी याददाश्त वैसी नहीं रही। तो लेकिन जिन लोगों ने टक्कर मारी थी वही लोग उन्हें अस्पताल लेकर गए थे और जो मेरी बड़ी मम्मी थी उन्होंने उनके सामने जब पुलिस ने कहा कि आप बयान दीजिए इन्हीं लोगों ने टक्कर मारी एंड ऑल, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं इन बेचारों की उसमें कोई गलती नहीं, वो हो गया। और उन्होंने लौटने के बाद भी ये कहा कि नहीं वो उन लोगों से हो गया, मैं वो बेचारे एंड बार बार, जबकि उस वक्त वो अपनी जिंदगी से जूझ रहे थे, तो जिनसे टक्कर मिली उनके प्रति उनके सिचुएशन में पहुंचकर उनके नजरिए से पूरे घटना को देखना और उन्हें बेचारा कहना वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। और मैं मानती हूँ कि वो शायद एक तरह की कसौटी है और इसको मैं गांधी जी को पढ़ते समय मैंने देखा है कि वो हमेशा इस बात को कहते थे कि किसी के भी धर्म को किसी के विचार को उनके नजरिए से समझो। एंड आई थिंक वो ही क्रक्स है अहिंसा का। और उसके बाद जब मतलब यही मेरे अंकल की देखभाल यही करती थी
और बाद बाद में ऐसा हो गया था कि वो उसके सर में जो चोट लगी थी उसकी वजह से उनके मतलब व्यक्तित्व में बहुत फर्क आया था। तो वो कई बार बहुत वायलेंट हो जाते थे, बड़ी मम्मी के लिए उनको संभालना मुश्किल हो जाता था। तो उनका नॉन वायलेंस या उनकी जो अहिंसा थी वो एक क्षण के लिए भी ये नहीं कहती थी कि इनका जीवन अब ईश्वर ले ले, वो ये कहती थी कि जब अब मुझसे नहीं बन रहा है तो अब ईश्वर मुझे ले ले। तो मुझे लगता है कि अहिंसा ऐसी ही होती है कि वो मतलब जैसे आज हम इर्द गिर्द देखते हैं ना कि अगर हमें गाय का जीवन बचाना है तो हम एक मनुष्य का जीवन लिए जा रहे हैं, तो एज अपोज टू जो गांधी जी कहते थे कि अगर तुम्हें इतना ही उससे गाय को बचाने का तुम्हारे अंदर जज्बा है तो तुम जो मारने आया है उसको ये कहोगे कि मेरा जीवन ले। तो मुझे लगता है कि ये केवल किताबी बातें नहीं है, ये सचमुच आपको मुक्त करने की प्रक्रिया है, और उसके बिना शायद हम अधूरे हैं और हम उसके बिना कभी मुक्त नहीं हो सकते। तो आई थिंक ये मेरी वो घर से जुड़ी ये दो वाक्य हैं और ये उन्हीं से जुड़े हुए हैं और जिसने मुझे लगता है कि अहिंसा को बहुत खोल कर हमारे सामने रखा। आपका जन्म उज्जैन के पास बिरला ग्राम में हुआ, तो ये जो अभी नागदा आपने में, हाँ नागदा में, अब मेरा बड़ी बचपन बहुत सारे हाँ मेरा बचपन बहुत सारे शहरों में गुजरा है। मेरे पिताजी टेक्सटाइल इंजीनियर रहे हैं, तो नागदा में तो वो जो ग्रेसन्स का एक जो उनका एक सिस्टर कंसर्न था उसमें काम करते थे। फिर बहुत सारे जगहों पर निजी टेक्सटाइल उद्योगों में वो रहे हैं। बहुत सारी जो पढ़ाई है वो नागदा में है, और ये जो मैंने जिनका जिक्र किया वो इंदौर रहते थे, और उस दौरान मैं कॉलेज में थी। मेरी पूरी कॉलेज की शिक्षा इंदौर की है, होलकर साइंस कॉलेज की। और ये जब घटना हुई तब तक मैं मतलब सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने लगी थी, और लेकिन इनके घर हम बहुत समय से आते जाते थे, और पूरे होलकर कॉलेज में पढ़ते हुए हॉस्टल में जब रहते थे तो ये हमारे लोकल गार्जियन भी होते थे। जो आपने दो किताबें लिखी, एक आपकी आई थिंक इतिहास की किताब है 1857 भारतीय परिपेक्ष, और दूसरी आपकी नॉवल है अपने अपने कुरुक्षेत्र, ये कब लिखी आपने और ये कैसे हुआ? तो मेरे दिमाग में ये था कि उस वक्त 150वां वर्ष बन रहा था 1857 का, तो तब मेरे दिमाग में था कि एक उस पर कुछ लिखा जाए। बहुत अच्छा तो नहीं लिखा गया, अगर मैं उसको बहुत ऑनेस्टली कहूँ तो मैं भी आज अगर सोचती हूँ तो ये सोचती हूँ कि शायद कभी उसको वापस से देखा जा सकता है और उसको थोड़ा और ठीक किया जा सकता है। लेकिन उस किताब में मैंने ये कोशिश जरूर की कि आमतौर पर ये धारणा रही है कि 1857 की जो लड़ाई हुई वो बस मेरठ और झांसी और कुछ सेंटर्स के बारे में उसमें ज्यादा लिखा गया, या कानपुर, लेकिन वो जो मध्य भारत के बहुत सारे हिस्से उससे जुड़े थे तो उस पर बहुत कम लिखा गया है, तो वो मैंने उसमें जोड़ने की कोशिश की। तो ये तो मैंने शुरू किया था करीब 2006-07 में, फिर करते करते 2012 तक वो पूरी हो पाई। जो नॉवेल है वो बहुत बाद का है, वो 2015-16 में उसके कुछ अंश लिखे थे, फिर वो ऐसे ही रख दिया, फिर उसको पूरा 17 में किया। तो वो ऑफ कोर्स वो तो फिक्शन है, और महाभारत के अलग अलग जो नारी चरित्र हैं उनके दृष्टि से महाभारत की कहानी को कहने की कोशिश है, और वो पूरा उपन्यास संवाद शैली में है और अलग अलग नारी चरित्रों के संवाद हैं, और फिर मतलब उसे मैंने इस तरह से भी देखा कि कुरुक्षेत्र की जो लड़ाई है वो केवल 18 दिन की नहीं है, और कुरुक्षेत्र दरअसल हमारे भीतर रोज ही होता है, और हर तरह के द्वंद्व में कोई भी व्यक्ति जब फंसा होता है तो वही कुरुक्षेत्र है, और उन द्वंद्वों को निकालने की कोशिश की अलग अलग चरित्रों के जरिए। तो वो 15 से लिखा और फिर वो करीब 16-17 तक पूरा हुआ, फिर 18 में वो बाहर आए।
तो आपने ये बताया कि जब आप अभी पढ़ाई कर रही थी तभी से आप सामाजिक कार्य में आ गई, तो उस ये आपके मतलब टीनेज इयर्स में ये अहिंसा और हिंसा का जो तालमेल है उसको आप कैसे देखने लगी? क्योंकि आपने कई जगह कहा है कि आपके जीवन में गांधी जी का बहुत प्रभाव है, उसने इस प्रभाव ने क्या रूप लिया? तो ये तो सच बात है कि गांधी जी को पढ़ने और गांधी और नेहरू को पढ़कर ही मैं कांग्रेस में आई। इसमें कोई मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है। अब उनके उनके जीवन को जीने की कोशिश करना या उनके राह पर चलना बहुत कठिन है, और मैं हमेशा ये बात कहती भी हूँ कि गांधी का कोई वाद तो हो नहीं सकता, क्योंकि जो सत्य का अन्वेषण करते हैं उनका कभी कोई वाद संभव नहीं है। गांधी का केवल मार्ग हो सकता है, क्योंकि जो लोग सत्य का ईमानदारी से शोधन करते हैं वो कोई वाद बना ही नहीं सकते, क्योंकि रोज वो अपने आप को निगेट करते हैं, रोज कुछ नया उनके सामने तथ्य समझ में आता है, रोज वो सच्चाई के करीब जाते हैं, और वो जो रास्ता है वो टेढ़ा मेढ़ा होता है, लंबा होता है, और वो कई बार आपकी पुरानी धारणाओं को बिल्कुल गलत बताता है, आईना दिखाता है रोज। तो मैंने हिंसा अहिंसा को तो जाहिर है कि उसकी बहुत समझ किताबी थी, और उनको पढ़कर ही वो समझ पहले बार बनी। और हम ये उस वक्त भी देखते थे कि अपने आसपास जो हम केवल सार्वजनिक जीवन में नहीं, जीवन के हर क्षेत्र में ये कहीं ना कहीं बात आ गई थी कि मतलब हिंसा सबको बहुत अच्छी लगती थी। क्योंकि मुझे याद है कि वो चाहे वो पिक्चर सीता गीता हो या चालबाज हो, उसमें वो जब वो यू नो जब वो श्रीदेवी जो सीधी वाली होती है वो पिटती है, और उसके बाद वो जो दूसरी आती है तो उसके आने पर स्क्रीन में उसके पहुंचते ही सबके चेहरे खिल जाते हैं। और तो हमें वो अच्छा लगता है, ऐसा नहीं कह सकते कि वो अच्छा नहीं लगता। लेकिन अहिंसा की जो एक बारीक समझ तैयार हुई वो बहुत बाद में तैयार हुई, और वो आदिवासी समुदाय के साथ कुछ काम करने की कोशिश करने समय उन काम तो कुछ ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन उनके जीवन को नजदीक से जानने समझने की जो कोशिश हुई उस दौरान वो समझ तैयार हुई। और उस दौरान ये समझ में आया कि वो क्या चीजें हैं जो हिंसा और अहिंसा के बीच खड़ी हैं, और ये भी समझ में आया कि वो अंतर बहुत महीन है, और वारदात अपने आप में हिंसात्मक या अहिंसात्मक होती है, लेकिन उससे बहुत पहले हिंसा जन्म लेती है। जब हम अपने बहुत सारे जो हमारे हमारी चाहत है या हमारी जो जिद है उसमें जब फंसते हैं तो उसकी शुरुआत हो जाती है, और मैं उसको उसी रूप में देखती हूँ। ये इन इन विचारों ने आपको राजनीति में कूदने से रोका या मतलब प्रेरित किया? क्योंकि इस विचारधारा को लेते हुए और इस किस्म से जीने की तैयारी वाले इंसान के लिए रोज की जो राजनीति है वो काफी कठिन काम होगा, मैं मानती हूँ, ऐसा मुझे लगता है। एम आई रॉन्ग? नहीं, तो राजनीति पे आते समय तो सभी लोग बड़े अरमानों को लेकर आते हैं, और उनमें मैं भी थी, और अब तो वो बड़ा बचपना सा भी लगता है कि जब राजनीति में आए तो ऐसा लगता था कि दुनिया में सब कुछ बदलना चाहिए अपने अलावा, और ऐसा लगता था कि सब कुछ इम्परफेक्ट है, बस अगर कोई परफेक्शन परसोनिफाइड है तो वो हम खुद है, और बस सब कुछ बदलने का माध्यम राजनीति है तो राजनीति करनी चाहिए और सब कुछ बदलाव, सब जगह बदलाव होना चाहिए।
और फिर राजनीति करते करते इस बात का एहसास रोज हुआ कि एक्चुअली बदलाव की तो सिर्फ खुद को जरूरत है और अपने आप को बदलने के अलावा कुछ भी और बदलने की जरूरत नहीं है शायद। ये आपको और एमपी बनने से पहले ये एहसास हाँ हुआ कि एमपी हाँ बनने हाँ के बाद? नहीं, पहले ही, बहुत पहले बहुत पहले इस बात का एहसास हुआ कि बदलाव केवल खुद के अंदर लाने की जरूरत है। एमपी बनने के बाद तो वो और भी ज्यादा महसूस हुआ, लेकिन एमपी बनने के पहले सौभाग्य से तभी से ही ये लगने लगा कि बदलाव खुद में अंदर लाने की जरूरत है। और एमपी बनने के बाद एक चीज बहुत साफ हो गई कि जो हम जिस तरह से राजनीति को देखते हैं दरअसल वो ठीक नहीं है। और अपने आप में मैं अब ये मानती हूं कि राजनीति से बेहतर अहिंसात्मक और कोई तरीका ही नहीं है लंबे दूरगामी बदलाव का। राजनीति ही वो एकमात्र तरीका है जो अहिंसात्मक तरीके से बदलाव का माध्यम बनती है। और ऑफ कोर्स बदलाव की शुरुआत स्वयं से होती है, लेकिन अगर हम इसको केवल, और ये केवल आध्यात्मिक स्टेटमेंट नहीं है कि हम ये कहें कि हम खुद में ही सबको और सब में खुद को देखते हैं, क्योंकि एक्चुअली हम ऐसे ही हैं, कहीं कुछ कुछ अलग नहीं है। और अगर हम किसी किसी भी परिस्थिति को, किसी भी परिदृश्य को या अपने आसपास को अपने से अलग देखते हैं तो सबसे पहले तो वही हिंसा है, क्योंकि वो जो भाव है कि वो दूसरे हैं, वही भाव आपके भीतर फिर वो कई तरह की कुंठाएं, कई तरह की असुरक्षा और कई तरह की चाहत को पैदा करते हैं, जिसको फिर आसक्ति कहा है विनोबा जी, इसको आसक्ति कहते हैं, या हम उसे सरल भाषा में कहना चाहें तो चाहत कह सकते हैं, चाहत या चाह कह सकते हैं। तो किसी किसी चीज की जो चाहत है वो तो इसीलिए है ना कि हम उसे अपने से अलग मान रहे हैं या अपने आप को उसके भीतर नहीं देखते या फिर अपने में उसको नहीं देखते, तभी हमें उसकी चाहत है। और वो सत्ता भी उसी से जुड़ी हुई चीज है, उससे अलग नहीं है। और हालांकि ये समझते समझते बहुत देर हो जाती है नहीं, पर इसको लेकिन इसको थोड़ा और बारीकी से समझाइए, क्योंकि समाज में राजनीति, मतलब उस तरह से सत्ता की राजनीति तो अभी भी दूर की बात है, पर रोज के समाज में भी ताकतें होती हैं। वो घर परिवार से हो, या पंचायत के स्तर पे हो, या जिला के स्तर पे हो, और उसके प्रति हमें मतलब हमें डील करना पड़ता है ना? तो उसमें ये जो आपने अभी बात कही, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि चाहत उसी की हो सकती है जिसको हम अपने से अलग माने, तो आम आदमी के सामने हकीकत ये होती है कि बहुत सारा उसके रोज की जिंदगी में ऐसी बातें होती हैं, ऐसी ताकतें होती हैं जो उस पे हावी होती हैं, जो कि उसको अपने से बाहर ही दिखती है ना। वो लोकल बीडीओ हो, या उसके घर का कोई बड़ा बड़ा बुजुर्ग हो, या उसके काम पे उसका बॉस हो, तो ये जो उसके ऊपर जो ताकत होती है, उसके प्रति वो हिंसा का भाव ना भी रखे, पर ये एकाकार का भाव कैसे लाएगा? ठीक बात है। इसको मैं ऐसे देखती हूँ कि एकाकार का भाव कैसे लाएगा से भी ज्यादा जो बुनियादी सवाल है वो ये कि एकाकार का भाव न लाए तो क्या करे। हाँ हाँ, क्योंकि
तो अगर मैं एकाकार का भाव लिए बगैर कुछ भी करने की कोशिश करूं, कोई भी व्यक्ति, तो वो क्या होता है फिर कि हम अपने दायरों में फंसते हैं, हम अपने दायरे के बाहर के प्रति अंधे हो जाते हैं। तो जैसे मैं महिला हूं, तो महिला के प्रति समाज में जो भेद है या महिला को लेकर जो संस्थागत भावनाएं बन गई हैं या धारणाएं बन गई हैं, उसको तो मैं संज्ञान में रखती हूँ, लेकिन मैं इसको शायद उसका संज्ञान रखते हुए अगर मैं एकाकार नहीं हूं, तो मैं अनायास ही जो अन्य कई किस्म की सुविधाएं, अन्य कई किस्म की प्रभुत्व संपन्नता जो मुझे विरासत में मिली है, उसके प्रति अंधी हूं। तो यानी कि एक महिला होने के नाते जिस भेद का सामना मैं कर रही हूं, उसके प्रति तो मेरी आंखें खुली है, लेकिन वो जो एक सामाजिक व्यवस्था ने पांचों हजारों साल से, उसको 5,000 कहने की का एक चलन हो गया है, तो मैं भी 5,000 ही कहती हूँ, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हजारों साल की तो बात है। तो हजारों साल की जो प्रभुत्व संपन्नता की विरासत मुझे मिली होगी, या ये कह सकते हैं कि वर्ग के आधार पर जो मुझे वर्गानुक्रम में श्रेष्ठता मुझे मिल गई होगी, उसको मैंने अपना जाति कामयाबी मान लिया, तो उसके दोहन में जो लोग हैं या उससे जो पीड़ित वर्ग है उसके प्रति, या वो जो भेद है उसके प्रति मैं अंधी हूं। तो अगर हम एकाकार हुए बगैर सोचते हैं, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम अपने उन दायरों से बाहर निकल कर जो दुनिया में है उसको देख पाए। तो वो इसीलिए मैं इसको अब इस तरह से कहती हूँ कि खुदा खुद से अलग नहीं है, और वो हमारे भीतर है और हम उसके भीतर हैं, और अगर हमने उससे अपने आप को जरा सा भी दूर किया, तो हम जो कुछ भी हमारे इर्द गिर्द हो रहा है उसका जो सामाजिक मूल्य है उसको नहीं समझ पाते। तो अब जैसे कि मैंने भरी दोपहरी में, मान लीजिए, और इसका द्वंद्व मेरे घर में अक्सर होता है, इसलिए भी कह रही हूँ, तो भरी दोपहरी में अगर मैंने सारे खिड़की दरवाजे बंद करके पर्दे लगा लिए कि ताकि मेरे कमरे में गर्मी ना हो, और फिर मैंने लाइट जलाया बगैर इसके सामाजिक मूल्य को समझे कि मेरे एक यूनिट मुझे बिजली देने के लिए सैकड़ों हजारों लोग विस्थापित हुए हैं, तो क्या होगा कि चलो मैं एकाकार नहीं हूं, मैंने अपने आप को उससे अलग समझा, तो मैं उस सामाजिक मूल्य के प्रति अंधी हो रही हूं। और एज अपोज टू अगर मैंने एकाकार होकर सोचा, तो मैं मानकर चलूंगी कि वो जो विस्थापित हुए हैं उसके लिए चलिए इतना तो करूं कि कम से कम मैं ये ना करूं, कहीं तो कुछ तो कम कर लूं तो या ज्यादा कर। बहुत खूब, इस दृष्टि से जब आपने राजनीति में कदम रखा, और अब आपको उसमें करीब 20 साल हो गए हैं शायद, कि ज्यादा 20 तो हो ही गए हैं, तो बीस तो हो ही है। कुछ ऐसे अनुभव बताइए जिनमें उस राजनीति करने के दौरान, और वो भी चुनावों की राजनीति, एक एमपी बनना बहुत बड़ी बात है, उसका पूरा इलेक्शन कैंपेन लड़ना और उसके पूरी प्रक्रिया को संभालना, इस सब में ये जो आपके भाव हैं, ये जो आपकी दृष्टि है, इसके कोई चैलेंजेस आए हों जो आप शेयर करना चाहेंगी, और उनको आपने कैसे सॉल्व किया? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि राजनीति ने ही मुझे ये दृष्टि दी, बिना राजनीति के ये दृष्टि मिल ही नहीं सकती। राजनीति, गांधी जी ने ये इसको बहुत अच्छे ढंग से कहा है, उन्होंने कहा कि सत्य के प्रयोग प्रयोग शुरू भी नहीं हो सकते थे अगर
अगर तो वो राजनीति में नहीं होते। और मैं उससे सहमत हूं कि राजनीति के अतिरिक्त आपको ऐसी ये जो उसको बोलते ना कि वो जो अर्जुन को वो कृष्ण जी ने अपना वो विराट रूप दिखाया, तो वो जो जो खुदा का वो जो उसका वो जो विराट वैभव है, वो जो जिसको हम कहते हैं कि विराट दर्शन, उसका राजनीति के अतिरिक्त तो और कोई माध्यम नहीं। यदि आप चिकित्सक हैं तो आपके लिए आप कुछ चीजों को देखेंगे, कुछ चीजों को नहीं देख पाएंगे। यदि आप कुछ और हैं तो भी, लेकिन राजनीति आपको वो पूरा ऐसे घुमा के पूरा चारों ओर वो आपको दिखाती है, और उसके साथ साथ वो आपको एक विहंगम दृष्टि के साथ साथ वो एक चींटी की आंख भी देती है, वो दोनों देती है। तो आप एक सूक्ष्म दर्शन जो एक चींटी की होती है वो भी कर सकते हैं, और वो जो एक विहंगम दृश्य देखने की बात होती है कि पक्षी ऊपर से सब कुछ देखता है, वो दोनों चीजें वो आपको राजनीति ही देती है। राजनीति के अलावा आप ये और कहीं नहीं देख सकते। और मैं आपको ये कह सकती हूँ कि अगर मैंने शायद MP का चुनाव ना लड़ा होता, और अगर मैं MP नहीं होती, तो भी मैं इनमें से कुछ नहीं कर सोच पाती। उन 5 सालों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, तो इनफैक्ट इतना सिखाया कि अब तो सीरियसली मुझे कई बार लगता है कि अब मुझे दूसरे टर्म की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसके बाद मैं हालांकि जीती भी नहीं दोनों बार तो लोग कहते हैं कि उसका कवर अप करने के लिए ये बोलते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं अपने आप में बहुत संतुष्ट हूँ कि मैंने उन 5 सालों में बहुत सीखा, और उसने मुझे ये सिखाया कि आप के जो सोच का नजरिया है वो लोक चेतना से कटकर आपको नहीं मिल सकता। तो जो लोक चेतना है, एक समय वो होता था जबकि हमारे जो जनप्रतिनिधि थे वो शायद मतलब अक्षर ज्ञान की दृष्टि से देखे तो उनके पास कम होगा, वो मतलब कम जानकारी होगी उनके पास, शायद इतने ज्यादा कॉलेज स्कूल में गए हो ना गए हो, लेकिन वो बहुत वर्षों तक लोक चेतना के बीच में लोकमानस तैयार करते हुए पकते पकते स्वयं तैयार होते थे। तो वो जो उनके भीतर का चैतन्य था वो बहुत विकसित था। उसमें तो मैं आज भी अपने आप को बहुत ही मतलब बहुत ही बैक बेंचर पाती हूँ। लेकिन जितना आप किसी एक संसदीय क्षेत्र में काम करते हुए किसी के गांव में किसी के खेत में बैठकर देखते हैं, जितना आप उनके घर में घुसकर बात करते हुए जानते समझते हैं, उसको और किसी भी स्कूल कॉलेज किसी बड़े से बड़े शोध संस्थान में जाकर हम वो नहीं जान समझ सकते, और किताबों से तो बिल्कुल नहीं कर सकते। किताबें आपको मार्ग देती हैं, लेकिन वो बहुत खूबसूरत बात है ना, वो गीता में उसको पूछता है, 3रा अध्याय है वो, और अर्जुन जो है वो कृष्ण से पूछता है कि तुम तो खुद ही कह रहे हो कि ज्ञान बहुत बड़ी चीज है, तो फिर मेरे पीछे क्यों पड़े हो। हाँ, तो मतलब मैं उसको इस तरह से परिभाषित करती हूँ कि दोनों दोस्त तो थे ही, तो वो उसका घोड़ा चला रहा था तो घोड़ा चलाते चलाते दोस्ती में ही पूछा होगा ना हमेशा। तो भगवान भक्त वाली बात ये तो अब हम कहते हैं क्योंकि हम उनसे हजारों साल बाद उसकी चर्चा करते हैं, तो उस वक्त उसने तो उससे पूछा ही होगा कि तुम मतलब मुझे क्यों धकेल रहे हो इसमें, जबकि तुमको तो पता है कि ज्ञान। तो वो बहुत खूबसूरत बात है जो कृष्ण कहते हैं कि बिना कर्म के सभी ज्ञान केवल बुद्धि विलास है, उसका कोई मतलब नहीं। इसीलिए उसको अगर मतलब विनोबा की के साथ उसको गीता को पढ़ें या ज्ञानेश्वर के साथ वो ज्ञानेश्वरी को पढ़ते हुए गीता को पढ़ें तो बहुत सारी परतें खुलती है। और मैं बिल्कुल कह सकती हूँ कि हमारी किताबी बातों का उससे कुछ भी मतलब नहीं है। वो ठीक है, वो आपको गाइड करती हैं, वो आपको सही दिशा दे सकती हैं, लेकिन जो आप वहाँ लोगों के बीच में रहते हुए जो जानते सीखते हैं उसका कोई मुकाबला नहीं। वही आपको अहिंसा अहिंसा सच्चाई और राजनीति और धर्म और सब कुछ मतलब वो आपको वो कुरुक्षेत्र आपका वहां है, वह उससे अलग नहीं हो सकता। ये बहुत
एक किस्म से गजब की आप बात कह रही हैं। कम से कम हम शहर के मध्यम वर्गीय लोगों के लिए, हमारे मेरे जिस समाज में मैं रहती हूँ, ये बड़े शहर के मध्यम वर्ग समाज में, उसमें तो बिल्कुल विपरीत उल्टा माना जाता है कि राजनीति इंसान की सबसे मतलब घटिया जो लक्षण है और पॉसिबिलिटीज है, मतलब इंसान का सबसे घटिया रूप राजनीति ही बाहर लेके आती है, ऐसा माना जाता है। और ये भी माना जाता है कि इस देश में ज्यादा हिंसा जो है वो राजनीति में ही है। तो इसका थोड़ा आप इसको टैकल कीजिए कि ये इम्प्रेशन क्यों लोगों में फैला हुआ है, वो एक अपने आप में एक विषय है, बट इसको आप कैसे काउंटर करेंगे, क्योंकि आप बिल्कुल विपरीत उसके बात कह रही हैं। मैं ये इसलिए कह रही हूं कि क्योंकि मुझे लगता है कि वो सब लोग जो राजनीति में आने पर किसी न किसी चाहत में फंस गए हैं, उनके ऊपर तो बस दया कर सकते हैं, उन पर दया की जा सकती है, उनके प्रति करुणा ही रख सकते हैं। क्योंकि अगर तो आप उस चाहत में नहीं फंसे तो फिर राजनीति से बेहतर कोई और अहिंसात्मक, राजनीति तो अपने आप में मैं अब से बेहतर भी कहना शायद गलत, एकमात्र रास्ता वही है सच्चाई को जानने समझने। लेकिन ये जो अलग अलग तरह की चाहत है वो आप ये इसलिए कह रही हैं क्योंकि राजनीति जो है वो पावर की रियलिटी को टैकल करती है, इसलिए आप कह रही हैं जी। पावर की रियलिटी को टैकल करती है वो भी है, लेकिन राजनीति बहुआयामी है, मल्टी डायमेंशनल है। ओके राइट, राजनीति जो है वो शक्ति को या ताकत को या पावर के सच्चाई को रखती है, लेकिन वो आपको इस बात का एहसास कराती है कि ये जो ताकत है उसके स्रोत भी एक नहीं है, उसके कई स्रोत हैं। तो अब क्या गांधी जी से ज्यादा पावर में कौन रहा होगा, और उनकी उनकी उस पावर का स्रोत क्या था? उनका सत्य शोधन उनका सबसे बड़ा स्रोत था, और वो स्रोत उनके हाथ लगाई राजनीति के कारण, क्योंकि वो लोगों के बीच में, लोक समाज के बीच में थे। या अगर हम अलग अलग आंदोलनों की बात करें, जन आंदोलनों की अगर हम बात करें, तो उसमें अपने आप में एक ताकत है, वो ताकत लोगों के बीच से आती है। अब हमने मान लिया है कि सत्ता के कुछ चंद स्रोत हैं, जिसमें सामाजिक एक है, हमारे देश में तो है ही, क्योंकि समाज और समुदाय अपने आप में ताकत के एक स्रोत होते हैं। हमारे समाज में हम देखते हैं कि पैसा एक ताकत का स्रोत है, प्रभाव एक स्रोत है, उसके अलावा फिर प्रभाव माने इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस वो बिल्कुल, तो अगर आपका एक्सेस है इन्फ्लुएंस कर सकते हैं आप, अगर आपके पास में जो ताकतवर लोगों के प्रति आपका कुछ ना कुछ मतलब आपका कहीं ना कहीं से उनसे जुड़ाव है, तो वो आपको सत्ता का एक स्रोत देता है। लेकिन राजनीति ही वो भी मैदान आपको देती है कि आप लोक समाज से जुड़े, जो कि सत्ता का सब बहुत बड़ा स्रोत है, जो कई बार अनटैप्ड भी रह जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग तो इन दूसरे स्रोतों के जरिए वहां जाने की कोशिश करते हैं। तो अगर हमने तो इसी स्रोत के जरिए आगे बढ़ने की कोशिश की, तो उसका माध्यम राजनीति है, आपको वो राजनीति ही वो माध्यम देती है। और उसको उसकी समझ को बढ़ाने के लिए जितने तरह के आप प्रयोग करते हैं, जितने तरह का नवाचार करने की आपको छूट मिलती है, जितने तरह से अपने आप को ढालने का, आगे बढ़ने का आपको तरीका मिलता है, ढांचा मिलता है, वो भी आपको राजनीति देती है। तो राजनीति को केवल कुछ स्रोत के साथ अगर हम आइडेंटिफाई कर देते हैं, तो वो मतलब
वो ऐसा होगा कि हमने उसको उसकी बारकाइयों को नहीं देखा, उसके हमने उसके सतह को देखा। जी 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 तो राजनीति उसे बहुत गहरा है, और हम चाहें या न चाहें, शहरों में रहते समय, मेरी भी पूरी परवरिश शहरी है एक तरह से, तो शहरों में रहते हुए हम राजनीति को कितनी भी गालियां दे लें, हम चाहें न चाहें, हम क्या कपड़े पहनेंगे से लेकर हम क्या खाएंगे तक, राजनीति से वो निर्णय प्रभावित होकर आ रहे हैं। तो हम उसे कितना भी गलत मान लें, उससे बच नहीं सकते। सही बात है। अब आप उससे बच नहीं सकते। आप एमपी थी 2014 तक, और अब ये करीब ये 7वां साल चल रहा है, आप राजनीति में अभी भी हैं। तो अभी जो आपकी ये ग्रास रूट लेवल पे जो आप राजनीति में जुटी हैं, थोड़े उसकी डिटेल्स में बताइए कि आप किस प्रकार से काम कर रही हैं, क्योंकि मैं जानती हूं कि जो ये पिछले कई सालों से जो हमारे रोजमर्रा के जिंदगी में कम से कम शारीरिक हिंसा कि अगर हम खाली बात करें, जो ये सोशल मीडिया पे वर्बल हिंसा चल रही है और डराना धमकाना चल रहा है, उसको अगर हम एक किनारे पे थोड़ी देर के लिए रख भी दें, खाली शारीरिक हिंसा का भी अगर हम सोचें तो वो बढ़ी है। और इससे आप जिस काम में जुटी हैं वो क्या है, और इस रियलिटी से, ये जो हिंसा बढ़ने वाली जो परिस्थिति है, उससे आप कैसे, आप और आपके साथी कैसे जूझ रहे हैं? सही बात है। तो एक तो हमने जब शुरुआत की थी, तो मैंने मैं संगठनात्मक तौर पर पहले से भी कांग्रेस के विभिन्न संगठनों में काम करती रही हूँ। जब सांसद थी तब भी संगठनात्मक काम मैं तब भी करती थी, वो मेरी रुचि के काम भी रहे हैं। तो करते करते 2013 से मैंने राजीव गांधी पंचायती राज संगठन, जो कि कांग्रेस का ही पंचायतों को लेकर काम करने का एक मोर्चा है, उसमें काम करना शुरू किया। लेकिन पिछले 1-1.5 साल में वो काम धीरे धीरे, उसकी रफ्तार बहुत धीमी थी, मेरी अपनी समझ भी कुछ खास नहीं थी। जो सत्ता हस्तांतरण की पूरी प्रक्रिया रही है, पंचायतों और नगरीय निकायों की स्थापन की और फिर उनको संवैधानिक दर्जा देने की, और इंसिडेंटली आज जब हम ये इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आज राजीव जी की शहादत का भी दिन है, और वही थे जिन्होंने इनको संवैधानिक दर्जा देने की पहल की थी अपने प्रधानमंत्रित्व काल में। तो जब हमने ये काम शुरू किया था तब इसके पूरे पोटेंशियल को समझा नहीं था, लेकिन पिछले 1-1.5 साल में एक थोड़ी सी ये समझ बनी कि राजनीतिक संगठनों का जो काम है वो राष्ट्र निर्माण है। राष्ट्र का निर्माण सरकारों के भरोसे, राज्यों के भरोसे नहीं हो सकता। जब आप सरकार में होते हो तो आप राष्ट्र निर्माण के अलग अलग मंच तैयार करते हैं अपने नीतियों के जरिए, और पिछले सरकारों में जब कांग्रेस की सरकारें रही है तो इसके कई अपॉर्चुनिटीज दिए हैं, पंचायतें उसमें से एक है। लेकिन राष्ट्र का निर्माण केवल सरकारों के भरोसे नहीं हो सकता। राष्ट्र यानी लोग और प्रकृति और उनका अंतर संबंध, और इसमें जब तक लोगों की सहभागिता नहीं होती, उनके हाथों से उसका निर्माण नहीं होता, तब तक राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता। तो आज जो हम देखते हैं वो दो तरह का द्वंद्व देख रहे हैं। एक तरफ वो वर्ग है जो ये मानता है कि, और इसको अगर मैं इस तरह से देखूं कि अगर हम अपने उपनिषदों से इसकी धारा को देखें, तो एक तरफ उपनिषद कहते हैं कि वो ईशावास्यम इदम सर्वम की बात करते हैं, यानी कि कण कण में ईश्वर है, तो कुछ भी श्रेष्ठ या हीन नहीं। और अगर इस्लाम में इसी को कहें तो इस्लाम में भी कहते हैं कि जर्रा जर्रा रोशन है उसके नूर से, तो उसमें भी कहीं कोई भी एक श्रेष्ठ और दूसरा हीन नहीं है। तो अगर इससे शुरू करें तो राष्ट्र मतलब लोग, प्रकृति और उनका अंतर संबंध, तो यहाँ कोई श्रेष्ठ और हीन नहीं। और दूसरी तरफ वो व्यवस्था रही है जो हजारों साल से इसके खिलाफ खड़ी है, जो सबसे पहले तो ये कहती कि मानव की योनि श्रेष्ठ है, और जैसे ही आप ये कह देते हो कि मानव की योनि श्रेष्ठ है
तो एक तो मानव को ये ब्लैंक चेक मिल जाता है कि वो अपनी प्रकृति को तहस नहस करे, वो चाहे जैसा व्यवहार अपने इर्द गिर्द के साथ करे। और फिर जैसे ही ये श्रेष्ठता की बात आती है तो ये भी आ जाता है अपने आप में ही कि मानवों में भी फिर कुछ मानव श्रेष्ठ हैं, और उसी ने हमारे पूरे व्यवस्था को, सामाजिक व्यवस्था को, जिसको कि काफी लोग मनुवादी व्यवस्था भी कहते हैं और जो है भी, उसको एक ढांचा प्रदान किया। तो ये जो नियंत्रणवादी व्यवस्था है उसके लिए राष्ट्र एक संसाधन है, और हमारे लिए राष्ट्र यानी लोग, प्रकृति और उनका अंतर संबंध, और राष्ट्र का निर्माण हमारा काम है। और राष्ट्र का निर्माण का मतलब है कि लोकमानस को तैयार करते रहना। तो नियंत्रणवादी व्यवस्था ने तो भेद और वायलेंस और संसाधन के रूप में एक छोटे वर्ग को साधन संपन्न बनाने के लिए एक निर्माण किया है, और उनकी वही राजनीति। उसके ऑपोजिशन में जो सर्वोदय पक्ष है उसने अपने निर्माण के काम में कहीं ना कहीं सरकारों में रहते हुए नीतिगत निर्णय बहुत सारे किए होंगे, लेकिन राजनीतिक संगठनों के जरिए सर्वोदय पक्ष के लिए जो खेत तैयार करने की बात होती है वो, उसको जिसको मैं राष्ट्र निर्माण कह रही हूँ, तो वो नहीं किया है बहुत सालों से। तो हमने ये तय किया कि हम ये काम पंचायतों के चुने हुए जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर करेंगे, क्योंकि पंचायतों के जो चुने हुए नुमाइंदे हैं वो जनता के सबसे करीब होते हैं। और ये इसमें आप पार्टियों का भेदभाव नहीं कर रहे, मतलब किसी भी पार्टी के चुने हुए हो? नहीं, फिलहाल तो हम अपने आप को क्लियरली कहते हैं कि हम, क्योंकि हम कांग्रेस का संगठन है, लेकिन बहुत सारे राज्यों में ये जो चुनाव होते हैं वो पार्टी न्यूट्रल होते हैं। तो बहुत सारे जनप्रतिनिधि वैसे डायरेक्टली किसी दल के नहीं होते, लेकिन दूसरी तरफ बहुत सारे राज्यों में जो ब्लॉक पंचायत और जिला पंचायत है वो तो सिंबल इलेक्शंस ही होते हैं। तो एक तो हम ये नहीं छुपाते कि हम किस दल के हैं, हम क्लियरली कहते हैं कि हम कांग्रेस के हैं, और हम केवल ये कहते हैं कि हमारा पक्ष ये है। अब आप अगर अपना नियंत्रणवादी पक्ष की राजनीति को छोड़कर और इसमें पूरी तरह से जुड़ने के लिए तैयार हैं तो हम तो अपनी ओर से तैयार हैं, हम खुले हैं। लेकिन ये बिल्कुल अनुभव रहा है कि जाहिर है कि वही लोग इसमें आते हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में जिनका विश्वास है, वही विचार के लोग इसमें आते हैं, और हमारी भी कोशिश वही होती है कि उनके साथ हम ज्यादा काम करें। और उसमें फिर फिलहाल तो कांग्रेस के विचारधारा के ही ज्यादातर जनप्रतिनिधि साथ में आकर काम करते हैं, लेकिन हम बहुत खुले हैं, हमारा विचार बहुत खुला है कि संविधान की सोच और संविधान की धारा से जिन लोगों की भी सहमति है हम उनके साथ काम करने के लिए राजी हैं। तो अभी देश के कितने जिलों में आप इस संगठन के तहत काम कर पा रहे हैं? तो पिछले 2 दिन पहले ही हमने कोरोना के संदर्भ में वैक्सीनेशन का एक जन अभियान, उसके जागरूकता के लिए करने के लिए वॉलंटियर्स को तैयार करने की कोशिश की, और 300 जिलों में आज हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास कोई ना कोई लेवल पर कार्यकर्ता है। ये नहीं कह सकते कि 300 जिले के हर गांव में कार्यकर्ता हैं, लेकिन कम से कम इतने कार्यकर्ता हैं कि आने वाले समय में हम हर ग्राम पंचायत पर पहुंच सके। हमारी आने वाले समय के लिए ये लक्ष्य है हमारा कि हम हर 5 गांव में एक साथी ढूंढे। तो करीब करीब देश में 5.5 लाख गांव हैं, तो हमारी कोशिश होगी कि हम 1 लाख गांव स्तर के सर्वोदय कार्यकर्ता, स्वराज साथी जिनको हम कहते हैं, उन तक हम पहुंचे। तो ये जो स्वराज साथी हैं या आगे और बनेंगे, क्या इनकी आपके साथ शामिल होने के लिए अहिंसा के प्रति निष्ठा एक जरूरी क्वालिफिकेशन है कि आपके साथ काम करने के बाद उनको ये अब्सॉर्ब कर लें तो भी आपको स्वीकार है? पहली बात तो वैसे ये है कि आप भी इसको मुझसे बेहतर समझती हैं कि अहिंसा के विषय में हम लोगों के साथ बातचीत साझा कर सकते हैं, उसकी कोई ट्रेनिंग नहीं होती, वो अपना अनुभव होता है।
और मैं अपने अनुभव से आपको कह सकती हूँ कि मैं अपने विषय में अगर अपना आत्मा आकलन करूँ तो मुझे लगता है कि बाहरी तौर पर जरूर कोई शस्त्र अस्त्र मेरे पास नहीं होते हैं, लेकिन मैं अपने आप को सर्वाधिक हिंसक व्यक्ति के तौर पर देखती हूँ। और मैं अपने संगठन में, लेकिन मैंने ऐसे बहुत सारे साथी देखे हैं जिनके भीतर वो एक नैसर्गिक अहिंसा है। दो हमारे साथी हैं, एक तो हमारे दक्षिण के साथी हैं, और मैं चाहूंगी कि आने वाले समय में आपकी उनसे जरूर बातचीत हो। अनौपचारिक ढंग से मैंने आपको उनका जिक्र पहले भी कहा किया है। कुमार जी हमारे तमिलनाडु के राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के राज्य के कन्वीनर हैं, और कुणाल बैनर्जी हमारे वेस्ट बंगाल के साथी भी हैं, और वो हमारे राष्ट्रीय महामंत्री भी हैं संगठन में। ये दोनों वो लोग हैं जिनके अंदर नैसर्गिक तौर पर अहिंसा की भावना है। कुणाल भाई का मैं आपको एक उदाहरण दे सकती हूँ कि इसके पहले हम लोग अंदरूनी चुनाव युवा कांग्रेस में करते थे, तो उसमें भी वो एक रिटर्निंग ऑफिसर की हैसियत से काम करते थे। जब उनके अपने सामने एक उन्होंने अंदरूनी चुनाव के लिए बूथ सेटअप किया और वहां वायलेंस हुआ, तब भी उन्होंने हिंसात्मक ढंग से उसका प्रतिकार नहीं किया। इसलिए मैं ये कह सकती हूँ कि ये मेरा भाग्य ही रहा कि मैंने ऐसे साथियों के साथ काम करना मुझे मिला, और उनके सामने मैं अपने आप को बहुत ही गौण, बहुत ही छोटा हर क्षण महसूस करती हूँ। और ये कह सकती हूँ कि मैंने हमेशा अपने आप को अपने अहिंसा के प्रयोग में असफल ही पाया है। नहीं, पर ये लेकिन थोड़ा थोड़ा बताइए कि आप अपने आप को हिंसक क्यों मानती हैं? ये थोड़ा आपको इसका थोड़ा खुलासा करिए। हाँ, क्योंकि सबसे बड़ी हिंसा उतावली होती है। उतावली बहुत बड़ी हिंसा, वो मेरे अंदर बहुत है, एक बात। दूसरी बात ये कि एक अहिंसात्मक व्यक्ति निर्भय होता है, क्योंकि उसके अंदर किसी तरह की चाहत नहीं होती अपने अपनी काया के प्रति, तो पता ही नहीं होती, जो मेरे अंदर तो बहुत भयंकर है। शुरुआती दौर में जब हवाई जहाज थोड़े भी हिचकोले लेता था तो मतलब चाहो न चाहो सुंदरकांड के बहुत सारे श्लोक याद आ ही जाते, ठीक है। और चलिए, अभी वो तो थोड़ा कम हुआ है। तो लेकिन अभी भी अगर दूर से भी कोई बड़ी बड़े सींगों वाली गाय दिखाई दे जाए तो मतलब सारा अहिंसा हिंसा स्थित प्रज्ञता सब हवा हो जाती है। तो एक अहिंसात्मक व्यक्ति की सबसे बड़ी परीक्षा यही है कि वो पूरी तरह से निर्भय हो, और वो निर्भय होने के लिए बहुत जरूरी है कि एक उसके अंदर इस तरह की चाहत ना हो, और दूसरा यही जो मैंने पहले कहा कि वो एकाकार महसूस करे। अगर आप एकाकार महसूस करोगे तो कोई सवाल नहीं उठता कि आपके मन में किसी के भी प्रति प्रेम न हो या फिर किसी के भी प्रति कोई मलिनता हो। और वो मलिनता अगर नहीं होगी तो आपके मन में कोई डर भी नहीं होगा, जाहिर है। तो वो मेरे अंदर बहुत है, इसलिए मैं महसूस करती हूँ कि बहुत सारी किस्म की हिंसा है। और दूसरी बात ये भी कि जब आप उतावले होते हो तो फिर आप दूसरे की दृष्टि से नहीं देखते काम को, और वो मैं अपने अंदर महसूस करती हूँ कि काम को सही ढंग से किया जाए, कि ये जो गरज है वो आपके भीतर की समता को कई बार खत्म करती है, जो गलत है। और वो काम वो जब हो चुका होता है तो उसके बाद उसका एहसास होता है बड़े दूर देर से, तो वो गलत है। और उसके साथ वो शायद विरासत में भी मिली होगी, ऐसा लगता है कि भीतर का वो जो वो जो ब्राह्मणवाद है वो जागृत होता होगा। वो ब्राह्मणवाद ही है जो कि आपको ये सिखा जाता है परोक्ष रूप से, और कई बार तो आपके सबकॉन्शियस में, कि देयर इज समथिंग कॉल्ड परफेक्शन, जबकि ऐसी कोई चीज होती नहीं है। परिपूर्णता कुछ नहीं होती, क्योंकि परिपूर्णता की परिभाषा हमेशा प्रभुत्व संपन्न वर्ग को ही करने की का अधिकार होता है। तो आपने तय कैसे कर लिया कि जो आपने तय कर लिया है वही परिपूर्ण, वही परफेक्ट है, और इसीलिए सामने वाले को वही आप ही के बताए हुए परफेक्शन पे खरा उतरना है, उसको आप एफिशिएंट मानते हो, और फिर वो जब नहीं होता तो आप उस पर चिल्लाते हो। तो वो आपके भीतर का वो, जिसको मैं कहती हूँ कि वो मेरे भीतर का वो ब्राह्मणवादी कीड़ा है जो कि वो काटता है,
और वो मुझे हिंसात्मक तो बनाता ही है, वो इस बात का भी एहसास कराता है कि अभी ये सब जो मैं कहती हूँ कि मैं समता में मेरा विश्वास है, वो सब मेरी एक्टिंग है। एट बेस्ट वो एक अभिनय है, और एट वर्स्ट कह सकते हैं कि वो दोगलापन, नहीं, पर चरित्र का ये भी तो दोगलापन। नहीं, मीनाक्षी जी, ये भी तो संभव है ना कि प्रयासशील होना है। हाँ बिल्कुल, वो मैं आपको मैं कह सकती हूँ कि आपने खुलासा किया वो मैं पूरी तरह से उसकी सराहना करती हूँ, लेकिन देखिए आपने जो अपने बारे में कहा वो हम ज्यादातर सभी के बारे में यही सच है, लेकिन इस रास्ते पे लगे रहना मुझे तो लगता है कि हमारा जितना भी पूरा रहा है, अब उसको आप परंपरा कहें या हमारा कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जो है इस विषय को लेकर, वो यही है ना कि भाई प्रयत्नशील रहो। हाँ, उस पर मैं आपको जरूर कहना चाहती हूँ कि पिछले एक समय होता था जबकि मुझे लोग क्या कहेंगे का डर बहुत सारी चीजों में सताता था, और ये बड़ा विचित्र किस्म का डर होता है, क्योंकि ये आपको अपने आप से भी सच नहीं बोलने देता। और ऐसा होता है कि आप अपने आप से भी जिन यादों को लेकर या जिन घटनाओं को लेकर या जिन प्रसंगों को लेकर असहज हैं, वो आप अपने आप से भी कहना नहीं चाहते। तो आप उस हिस्से को आप ऐसा चाहते हो कि वो पतझड़ का पत्ता जैसे झड़ जाए, वैसा झड़ जाए तो अच्छा, आपके स्मृति पटल से वो सारी स्मृतियों के पल झड़ जाए तो अच्छा, ऐसा आपको एहसास देता। लेकिन पिछले 2-3 सालों में मैं ये बहुत ईमानदारी से कहूंगी कि अब मुझे वो डर नहीं सता। तो अब मुझे अपने आप से खिज नहीं होती। अब मुझे कोई भी अपने विषय में जो बातें हैं, जो बहुत ही गोपन है, यानी कि वो जो मैं अपने आप से भी नहीं कहना चाहती, वो अब मैं सबसे कह सकती हूँ। अब क्योंकि वो मुझे, मेरे भीतर वो शर्म नहीं देती, मुझे शर्म नहीं है इसको कहते हुए कि मेरी अहिंसा आधे समय अभिनय है, क्योंकि मुझे नहीं परवाह है कि आप उसके विषय में क्या सोचते हैं। और मुझे वो दोगलापन अब अपने आप से भी छुपाते हुए असहज नहीं लगता, क्योंकि मुझे लगता है कि ये बहुत स्वाभाविक मानवीय गुण है। और मुझे मेरे मैंपन से छुटकारा अभी मिला नहीं है ना, मैंने मान लिया है कि मुझे नहीं मिला, कोई बात नहीं। नहीं तो वो और तो मैं अब देखिए बहुत बड़े बड़े ये फिर संतों को वो नहीं मिलता भाई। एग्जैक्टली और हाँ नहीं और नहीं और मुझे ये भी लगता है कि कुछ समय पहले गडग में हम लोगों ने पद यात्रा की थी, ये गांधी 150 पर मैंने ही की थी, मेरे साथ और भी बहुत सारे लोग थे। तो गडग से हमने उसको शुरू किया, तो वहां का रामकृष्ण मिशन का एक मठ था, वहीं से हमने वो शुरू किया था। वहां एक सर्वधर्म प्रार्थना हुई, बहुत सारी प्रक्रिया तो वो कन्नड़ा में हुई, तो बहुत सारा मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन एक स्वामी जी ने जो कहा वो उसका उन्होंने थोड़ा हिंदी में भी उसको समझाया, तो उन्होंने उन्होंने गांधी जी की ही बात की, तो उन्होंने मुझसे बहुत खूबसूरत बात की। और उसके बाद तो मतलब उसके बाद तो मैंने अपने आप को, मैं हमेशा कहती हूँ वो लगे रहो मुन्ना भाई टाइप, लगे रहो चिंता मत करो। उन्होंने कहा कि वो महात्मा इसलिए नहीं थे कि गलतियां नहीं करते थे, खूब गलतियां की हैं उन्होंने अपने जीवन भर, वो महात्मा इसलिए थे कि वो अपनी गलतियों को मानते थे और उसको दुरुस्त करने की राह में ईमानदार प्रयास करते थे। तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सही बात है कि उन्होंने कभी सही होने का दावा नहीं किया, और कोई भी सही और गलत तो एक्चुअली कुछ मतलब हर किसी का अपना नजरिया होता है। और बिल्कुल तो इसलिए हम मतलब अब मुझे मुझे वो नहीं, उसको लेकर कोई शर्मिंदगी नहीं। मैं अपनी मेरे अपने जितने भी तरह के डर हैं या असफलता है या जिसको कह सकते हैं कि मेरा अभिनय है या दोगलापन है, उसको लेकर अब मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है, उसको लेकर मैं शर्मसार नहीं हूँ। मैं ये मानती हूँ कि वो है, वो ऐसा है, मुझे दिख रहा है, मैं यहीं तक इसको कर पाई हूँ, इसके आगे मैं नहीं कर पाई।
तो लेकिन आप फिर भी तो प्रगतिशील हैं, नहीं, ये भी वर्क इन कहूंगी कि कुछ प्रोग्रेस। चीजों में नहीं, मैं ये भी आपसे ईमानदारी से कहूंगी कि कुछ चीजों में मुझे मालूम है कि ये प्रयास भी नहीं कर पाऊंगी। ओके ओके, वाओ, हाँ, तो ठीक है, नहीं ये कर, तो, आज नहीं कर पाई हूँ, और आप कह मैंने रही हैं मान कि आप लिया खुद है। से सच नहीं बोल पाती हैं। हाँ, नहीं, नहीं बोल नहीं, पाती थी। बिल्कुल ये तो बहुत बड़ा सच आप खुद से बोल रही हैं। बिल्कुल, हाँ तो आ, आ, बिल्कुल, तो मैं ये मानती हूँ कि ये आज आज मेरे मतलब इस टेबल में जैसे 10 चीजें हैं, तो इसमें मैंने ये और ये और ये पर तो मैं काम कर सकती हूँ, कर रही हूँ, और ये पे नहीं कर सकती मैं, नहीं, ठीक है, मुझसे नहीं होगा, मुझे पता है मुझसे नहीं होगा, लेकिन मुझे ये पता है कि मुझे ये पता है कि एटलीस्ट कि मुझे इतना तो पता है कि ये नहीं हो रहा है। समझ में, वेरी गुड, मैं समझ गई। दैट्स इट। देखिए, ये अवेयरनेस जो है कि एक किस्म से अपनी सीमाओं की जो ये चेतना है, बिल्कुल ये भी एक किस्म की कृपा है, ब्लेसिंग ब्लेसिंग है आपको ये। अच्छा, ये बिल्कुल, बताइए कि मैं उसके लिए, मैं सच कह रही हूँ आपको कि मैं सचमुच उसके लिए, मैं और मैं आपको बताऊँ, मैं वैसे रिचुअलिस्ट तो मैं बिल्कुल ही नहीं हूँ कि रोज अगरबत्ती जलाऊं एंड ऑल। एक किस्म की धार्मिकता मुझ में थी, लेकिन अब मैं बहुत ज्यादा धार्मिक हूँ, इन द सेंस कि मैं ये मानती हूँ कि ये मुझे धर्म ने इसका एहसास कराया कि कैसे, मैं बताइए। इतना चल सकती। तो बहुत सारे मतलब पिछले दिनों में उपन्यास लिखते समय भी और उसके बाद भी फिर धर्म में क्योंकि रुचि हुई तो बहुत सारे चीजों को पढ़ने समझने की कोशिश की। तो पढ़ते समझते हुए आप अपने आप को उस जगह पे रखकर देखने की भी कोशिश करते हैं ना, तो उसमें पता चलती है कि कहाँ कहाँ आपकी लड़खड़ा रहे हो आप, और कहाँ कहाँ तो लड़खड़ा रहे हो और कहाँ कहाँ तो बिल्कुल ही मतलब वो जैसे एक मदमस्त हाथी की चाल हो जाती है ना, बिल्कुल ही वैसे, मतलब वो तो कहीं से कहीं आपका कुछ मैच नहीं हो रहा है। तो वो एहसास मुझे धर्म से मिला कि और इसी से मुझे ये भी कह सकते हैं कि चमका कि एक्चुअली धर्म, ये इसीलिए इसको सत्य कहा होगा गांधी जी, इसीलिए वो सत्य के अलावा और कुछ नहीं, हाँ, कि क्योंकि मतलब वो वो, आपको आपके भीतर झांकने का अवसर प्रदान करती है। आप हर हफ्ते एक दिन मौन रहती हैं, कौन सा दिन है ये? सैटरडे। जनरली शनिवार होता है, पर अभी आजकल वो कभी कभी शनिवार को खिसकता है वो, मतलब संडे मंडे भी होता है, बट जनरली अच्छा, शनिवार। ये कब से शुरू किया आपने? पहले तो ये क्लियर करना चाहिए कि शुरू तो 2011 में किया था, अच्छा, और तब, हाँ, तो तब तो लगता था कि मौन करते हैं वगैरह वगैरह, अब तो मैं ये साफ तौर पर कह सकती हूँ कि अबोला करती हूँ, मौन नहीं करती, और अबोला अबोले मतलब? में बोलती नहीं हूँ ना, तो अबोला ही हुआ वो। ओके, मौन और अबोले में तो बहुत अंतर है, मौन हाँ में थोड़ा सा मन का शांत होना जरूरी, हाँ नहीं, और बट मन शांत तो होता नहीं। बोलती नहीं है, बट मतलब आप टेक्स्ट वगैरह करती हैं, इज दैट द डिफरेंस? नहीं, वो तो है, वो तो कभी कभी करती हूँ जरूरत पड़ने पर, आजकल क्योंकि वो शिफ्ट करती हूँ तो फिर वो ऐसा नहीं होता कि लिखना पड़े, ऐसा नहीं होता, लेकिन मौन उससे और ज्यादा बुनियादी है। मौन के लिए सबसे पहले तो मन का शांत होना बहुत जरूरी, वो कभी कभी वो होता है मेरे साथ, एक आध घंटे तक अब वो हो जाता है कि मन बिल्कुल शांत होता है, उसमें किसी तरह के ख्याली पुलाव नहीं पक रहे होते हैं, लेकिन अदरवाइज तो चलता रहता है ना नहीं, कुछ तो ना ये कुछ आप तो। 11 साल से आप कर रही हैं, इससे आपको क्या लाभ तो नहीं कहना चाहिए, पर इस अनुभव को क्यों आप लगातार करती चली जा रही हैं? इसमें आपको क्या क्या हासिल हो रहा है, या क्या अनुभव है जो आपको इतना प्रिय लग रहा है? ये जो हम अपने लिए बिल्कुल समय नहीं निकालते, तो वो अपने लिए समय निकलता है, तो वो तो मुझे मौन से ही मिला,
जो हम बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, बहुत सारी सूचना इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, अपने आप को बिल्कुल विकिपीडिया बनाए लेते हैं, लेकिन हम उस सब के अलावा भी तो कुछ है ना। तो वो जो भीतर समझने की कोशिश, कम से कम झांकने की भी कोशिश जो है, वो उस दिन मिलने लगी, तो वो मुझे अच्छा लगा। फिर एक तो ये भी था कि खासतौर पे उस वक्त तो मैं सांसद थी जब मैंने ये शुरू किया था, तो उस वक्त ये भी एक जो ये जो एक एक तरह का अहम हो जाता है कि हमारे बिना तो जैसे तो दुनिया रुक जाती है, कि अगर हमने एग्री नहीं बोला तो जैसे तो पहाड़ खिसक जाएगा। तो उसके लिए भी वो अच्छा था कि पता चला कि नहीं, कुछ कुछ बिगड़ता नहीं है, आपके भरोसे कुछ नहीं चल रहा दुनिया में। आप उसके भरोसे चल रहे हो, ठीक बात है, लेकिन बहुत आपके खूब, भरोसे कुछ कुछ बहुत नहीं चल खूब। रहा। तो एक समेटने और समापन के तौर पर नौजवानों के प्रति या नौजवानों के लिए आपकी क्या एडवाइस है? आज बहुत नौजवान मैं मिलती हूँ जो हिंसा के विरोध में हैं, वो अहिंसा के रास्ते पे चलना चाहते हैं, लेकिन उनको लगता है कि ये भी बहुत कठिन है, या कुछ बहुत ही जो अनोखे महात्मा जैसे लोग हैं वो ही अहिंसा को अपना सकते हैं। तो ऐसे नौजवानों के लिए आपकी क्या राय है? मैं तो शायद बहुत छोटी हूँ उनको कोई राय देने के लिए, लेकिन मुझे एक हमारे यहाँ मंदसौर नीमच में, क्योंकि जैन समाज बहुत है तो अक्सर जैन संतों का आना जाना चलता रहता है, उनका चातुर्मास बहुत लोगों का मंदसौर नीमच में होता है, तो वैसे तो मैं बहुत ज्यादा संत समुदाय से मिलना जुलना रखती नहीं हूँ, लेकिन इनसे मैं मिली थी, जिनका अभी मुझे नाम ध्यान नहीं है, बहुत वो शायद मेरे और आपकी उम्र की ही होंगी हमारे, लेकिन उन्होंने मुझे एक बहुत खूबसूरत बात की, और उसी को बस मैं समझती हूँ कि हम लोगों को, अब हम जैसे लोगों को अपना पैमाना बनाना चाहिए। तो उन्होंने उनसे मैं मिलने गई थी, तो उन के सामने मैंने बस ये प्रश्न रखा कि महावीर स्वामी जी जो अहिंसा की बात करते थे, तो वो तो कहते ही थे कि चलने में अहिंसा है, खाना खाने में भी में भी हिंसा है, चलने में हिंसा है, और उस जमाने में कोई माइक्रोस्कोप वगैरह बना नहीं था, मगर उनका तो उनका एक वो दिव्य दृष्टि थी उनके पास कि वो ये देख पाते थे कि कितने ही हजारों कीटाणुओं को हम मारते हैं हर प्रक्रिया में, जिंदा रहने की, सांस लेने की प्रक्रिया में। तो मैंने उनसे पूछा कि फिर ये तो बिल्कुल संभव ही नहीं है, ऐसा तो जीवन ही नहीं चल सकता। तो उन्होंने मुझे कहा कि अहिंसा का एक ही मतलब है कि हर क्षण बोध के साथ जिए, हर क्षण बोध लेते रहो कि हमने क्या किया, और उन्होंने कहा कि बस इतना करना, और उन्होंने 2 लाइन से ज्यादा तो मुझसे कहा ही नहीं कुछ, उन्होंने कहा कि हर क्षण बोध लो, और फिर उसके बाद उन्होंने कहा बोध आपको बहुत कुछ बाद में आपसे करवा लेगा, अगर बोध ही नहीं है तो फिर तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो मुझे लगता है कि तो एक तो मैं अपने लिए उसी को पैमाना मानती हूँ, कम से कम बोध लें कि चलो ठीक है ये हो रहा है ये नहीं हो रहा है। दूसरा जो मुझे लगता है कि अहिंसा को लेकर अगर हम उसको किसी भी तरह से, और किसी भी तरह से अगर हम समझ सकते हैं, या जैसे उसको मैं अपने लिए समझती हूँ, तो मैं उसको ऐसे देखती हूँ कि वो अबोधत्व का बोध है, नहीं, मैं नहीं हमारे समझी। अपने अबोध, हमारे अपने जो अबोध है हाँ उसका हाँ बोध हो जाए, हाँ हाँ हमारे अबोधत्व का वो बोध है। टू बी अवेयर ऑफ आर ओन इग्नोरेंस। इट इज नॉट एक्चुअली इग्नोरेंस, अच्छा वो ऐसा अबोध, मतलब कि वो जब जब इग्नोरेंस का जो बोध होता है, जो आपने कहा, यानी कि उस अबोधत्व का जो बोध होता है, तो वो आपको अबोध बनाता है,
वो अब जो अबोध है वो इग्नोरेंस नहीं, वो इनोसेंस का अबोध है। तो वो जो कई बार अपन लोग वो देखते हैं फोटो बच्चे के साथ गांधी जी की हंसते हुए तस्वीर होती है, तो उसमें वो जो दोनों ही तस्वीरों में वो जो मासूमियत दिखाई देती है, तो वो अहिंसा है शायद, ऐसा मुझे समझ में आता है, जो छोटा मोटा भी समझ में आता बोध का वापस मैं थोड़ा और पूछना चाहूंगी कि सी बोध इज टू नो, राइट, लिटरली, है। या क्योंकि टू नो दैट आई डोंट नो एंड आई हाँ, कैनॉट नो। नो, दैट इज अबोध, अबोध इज नोइंग दैट आई डोंट नो, राइट। नो आई एम सेइंग हाँ कि व्हेन यू स्टार्ट टू नो अबाउट योर नॉट नोइंग, हाँ हाँ, तो वो जो अबोध है का जो बोध है, फिर वो जो अबोध लेकर आता है वो अबोध अब इनोसेंस का होता है। तो अबोध इज अ वर्ड विच कैन बी यूज्ड फॉर इग्नोरेंस एंड इनोसेंस बोथ। बहुत हाँ, या सो वो जो अबोधत्व का बोध है वो आपको अबोध बनाता है, यानी कि वो जो इग्नोरेंस का बोध है वो आपको इनोसेंस की ओर लेकर जाता है। जिसे अंग्रेजी में हम कहेंगे कि जो बिना आर्टिफिस एंड बिना यू नो प्रिटेंस, नो ऑफ नो सी ऑपोजिट ऑफ इनोसेंस इज राइट प्रिटेंस। राइट हाँ, जिस राइट सेंस में आप कह राइट रही हैं, इट इज हाँ नॉट हाँ ऑपोजिट ऑफ इनोसेंस इज नॉट इग्नोरेंस, हाँ इट इज बिल्कुल। प्रिटेंस और सेल्फ डिल्यूजन विच इवेंचुअली और इवन हिपोक्रेसी, दो दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड, हाँ, बहुत गहरी बात है। और उसमें 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 उसके भी दो चरण हैं। सो मैं गांधी जी वगैरह को उस ऊपर के चरण में देखती हूँ, और बच्चों को भी फॉर दैट मैटर। ये लोग ये नहीं कहते थे कि हम आई डोंट नो। एक तो हम एक वर्ग देखते हैं जिसमें कि मैं मेरे जैसे लोगों को भी रख सकती हूँ कि आई नो, हमको सब पता होता है, हमको कुछ भी पता करने की इच्छा ही नहीं है, हमको सब पता है, वी हैव फिगर्ड आउट एवरीथिंग सो अंडर द सन। तो लेकिन उससे बढ़कर एक लेवल और होता है जो ये तो कहते हैं आई डोंट नो, उसमें बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं आई डोंट नो, लेकिन गांधी जी जैसे लोग उससे और एक, और बच्चे भी उससे एक कदम और ऊपर हैं, जो वो कहते हैं कि आई कैन नॉट नो, मैं कभी नहीं जान सकता उस संपूर्णता को, मैं कभी नहीं जान सकता। ये जो हमारे यहाँ साकार और निराकार का जो दो अप्रोचेस हैं, उसमें ये माना जाता है ना कि जो निराकार है उसको आप जान नहीं सकते, उसके साथ लीन हाँ हो सकते हैं, यू कैन करेक्ट मर्ज इन इट बट यू कैन नॉट नो इट। हाँ, और उसके भी आप देखिए कि तीन चरण हैं। हाँ एक तो साकार सगुण होता है, हाँ, हाँ फिर उसके बाद निर्गुण करेक्ट, साकार होता है, और फिर बिल्कुल वो निर्गुण निराकार होता है। जी। और ये तो सच है कि क्योंकि इंसान इंसान का अपना एक आकार है, तो और उसका अपना एक गुण भी है, हाँ तो वो जैसे अब आप मुझसे अच्छे से बोलेंगी तो मैं आपसे अच्छे से बोलूंगी, हाँ है ना। और ऐसे भी है कि मतलब कि किसी से अच्छे से हम बोलते हैं, किसी से हम अच्छे से नहीं बोलते हैं, लेकिन वो जो इन सारी प्रतिक्रियाओं में फंसते ही नहीं, वही तो वो हाँ उससे ऊपर वाला स्टेज उसका होता अच्छा, है। मुझे अभी आपने ये निराकार की बात होने लगी तो मुझे ख्याल आया कि आप तो बिल्कुल कुमार गंधर्व टेरिटरी में पली बड़ी हैं, सो यू हाँ, मस्ट हैव एनकाउंटर्ड कबीर आल्सो, नो, तो इन योर ऑफ चाइल्डहुड और इन योर यूथ। कोर्स बहुत हमारे आसपास बहुत सारे कबीरपंथी लोग रहे हैं, और मंदसौर में भी बहुत सारे लोग हैं जो कबीर और रविदास, कबीर और बिल्कुल रविदास दोनों को मानते हैं। लेकिन आपको मैं ये बताऊं कि मेरी जो बहुत सारी आध्यात्मिकता के प्रति जो मेरा छोटा मोटा भी आकर्षण है, उसका स्रोत लेकिन मीराबाई है।
और वो इसलिए कि मुझे चित्तौड़ से गाड़ी पकड़नी पड़ती थी, अपने अपने कुरुक्षेत्र मैंने लिखा भी नहीं होता अगर चित्तौड़ से गाड़ी नहीं पकड़ी हो पकड़ती होती। चित्तौड़ से अच्छा गाड़ी पकड़ती थी और वो स्टेशन छूटते छूटते वो चित्तौड़ का किला पीछे दिखता था, और हाँ किले से क्या पता क्यों मुझे, और आज भी ऐसा होता है जब, और उस उन दिनों मैं निरंतर सेकंड स्लीपर में ही ट्रैवल करती थी, तो जैसे जैसे रेल आगे बढ़ती वो चित्तौड़ का किला भी दिखता और मुझे ऐसा लगता जैसे कि वो मीरा के भजन मेरा पीछा करते हैं। और तब फिर मैंने मीरा की दृष्टि से कृष्ण को पढ़ना समझना शुरू किया, तो फिर ऐसे ख्याल आया कि मीरा की ही दृष्टि से क्यों, कृष्ण जिनके समकालीन माने जाते हैं उन स्त्रियों की क्या सोच रही होगी। तो ऐसे करके फिर वो अपने अपने कुरुक्षेत्र, मैंने नर्मदा जी की पैदल परिक्रमा की है, मेरी इसी साल खत्म हुई 1 मार्च को, आई वॉज ओनली लकी, 1 मार्च को खत्म हुई और फिर ये सब तमाशा शुरू हुआ, फिर मतलब वापस कोरोना का, 1920 में, नहीं 21 ओ 21 आपको कितने महीने लगे? नहीं, मैंने ऐसा नहीं, मैंने तो ऐसा नहीं किया कि एक साथ किया, मैंने हाँ ऐसा किया कि मैंने 2012 में शुरू किया, ओके और मैं क्या करती थी कि हर साल जब भी समय मिलता जाए तो चातुर्मास का महीना छोड़ देती थी, तो ओके देवउठनी ग्यारस से शुरू करती थी और अप्रैल तक करती थी, यानी चैत्र नवरात्रि के इर्द गिर्द तक करती थी, तो हाँ हर महीने जब भी समय मिले। बीच में एक साल थोड़ा अस्वस्थ रही तो वो नहीं, उस साल तो कुछ भी चल नहीं पाई, तो जहां तक चल के गए हैं, जहां छूटा वहां से फिर वो आगे रिज्यूम करती, तो ऐसे करते करते वो टुकड़े टुकड़े में पूरी हुई। मीनाक्षी, ये आपको क्या समाज दिख रहा है? ये जो है ना आपका, ये पैदल चलना और वो ही बिना पैसे के, और भिक्षा पे खाना और हाँ रहना और ये सब, तो हाँ ये बताइए कि उस समाज मैं का क्या आपको रंग बताऊं रूप है कि जो आपको हाँ मैं वो हाँ इस यात्रा पे, क्योंकि ये मुझे लगता है ये सबसे निकट और सबसे बिना स्क्रीन्स वाला ये दृश्य होगा, या एक बिल्कुल अनुभव अनुभव होगा। हाँ, तो मैं आपको कहूं कि मैंने नर्मदा की परिक्रमा किसी धार्मिक किताब विताब को पढ़ के तो बिल्कुल नहीं की थी, मैंने अमृतलाल बेगड़ जी की किताबें पढ़ी थी। अमृतलाल बेगड़ जी शांति निकेतन में पढ़े हैं, उस वक्त तो मैं एमपी थी, मैंने 2012 में ये शुरू किया था, तो आपको कहूंगी कि उसमें हम लोग ये जरूर करते थे कि छोटा मोटा सामान रखते थे कि साथ में चलने के लिए, और वैसे तो हर जिले में पहचान के भी लोग मिलते ही थे जो साथ में थोड़ी दूर चलते थे, लेकिन आपको मैं ये कहूँ कि हमारा बहुत छोटा ग्रुप था, हम 3-4 ही लोग थे, हम किसी को कोई प्रचार प्रसार नहीं करते थे, गांव में हम लोग जहां पर भी रुके किसी ने हमसे हमारा नाम नहीं पूछा, किसी ने भी नहीं, उन्होंने हमें अपने घर में रुकाया, हमें खाना खिलाया, हमें चाय पिलाए बगैर नहीं भेजा, और सबसे खूबसूरत यात्रा का जो पोर्शन था वो झाड़ियों वाला था, जो कि महाराष्ट्र गुजरात और मध्य प्रदेश के झाड़ी का पोर्शन उसको कहते हैं, वो बड़वानी के राजघाट से शुरू हो जाता है, तो बहुत सारे पहाड़ चढ़ो उतरो और दूर दूर तक कोई आबादी नहीं है, और सभी भील भिलाला जाति के छोटे 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 गांव आपको मिलते थे, उनके फालिए मिलते थे, उसमें हम रुके, किसी ने हमसे कभी हमारा नाम नहीं पूछा, उनको ये हमारी वेशभूषा से पता था कि ये परिक्रमा वासी है, हमारे पास एक डंडा भी होता था, छड़ी होती थी, और उन्होंने हमें खाना खिलाया है, जो उनके पास था वो खिलाया है। और मैं आपको ये भी कहूंगी कि मेरे लिए नर्मदा जी की परिक्रमा का मतलब उस फिजिकल उस नदी के का सर्क का परिक्रमा करना नहीं था, मेरे लिए नर्मदा जी की परिक्रमा का मतलब था कि नर्मदा जी के इर्द गिर्द जो जन समाज का जो लोक जीवन है उसकी परिक्रमा करना, और मैं बहुत ही विनय से ये कह सकती हूँ कि मानव सभ्यता की उत्क्रांति का अध्ययन बहुत लोगों ने किया है, लेकिन मानव सहजीवन की उत्क्रांति का अगर कोई भी अध्ययन करेगा तो वो उसको जन समाज की ओर लेकर जाए, जितनी सहजता के साथ जन समाज ने अपने विविध कार्यों
कहानियां, अपने विविध किस्से, अपना जीवन, अपनी जीवन शैली का अनुभव हम लोगों को कराया। मुझे बहुत बहुत मजा आया, मतलब इसलिए मैंने सोच रखा था, वो मेरा यात्रा समाप्त के बाद उसमें एक भंडारा और एक कार्यक्रम होता है, तो हमने सोचा था कि भंडारा तो नहीं लेकिन एक कार्यक्रम तो करना ही है। तो मैं सोच, मेरे को सबने पूछा कि उसके समापन पर आप किसको चाहते हो, तो मैंने कहा नहीं, मैं मेधा जी को चाहती हूँ, क्योंकि असल में नर्मदा जी की सेवा फिर उन्होंने की है। तो और हमारी तो परिक्रमा में नर्मदा बचाओ आंदोलन के लोग जगह जगह पर हमारे साथ खड़े रहे। तो आई मेधा जी? नहीं, अभी समापन कार्यक्रम नहीं हुआ, नहीं हुआ क्योंकि फिर ये सब कोरोना का चक्कर चल गया। बहुत खूब। जब नर्मदा बचाओ आंदोलन के बहुत लोग साथ में थे सब जगह, और हमने कोशिश की कि उन्हीं के बीच में रही, हमने एक भी जगह उन लोगों के अलावा जहाँ कोई व्यवस्था होती, तो मतलब जिन इलाकों में उनका काम नहीं है जरूर वहां हम अलग लोगों के पास भी रहे। तो बहुत खूबसूरत खूबसूरत एहसास था। जब बहुत मजा आया। ये अनुभव सुनाती हैं तो फिर मैं सोचती हूँ कि क्या ये इसी देश में दूसरी जगह इतनी हिंसा भी हो रही है, ये क्या एक अजीब क्या कहते हैं साइमल्टेनिटी है कि एक तरफ ये भी है, ये समाज भी कायम है, और दूसरी तरफ जो हमारे हम जानते हैं कि हो रहा है कि गायन के नाम पे लोगों को भी मारा जा रहा है। तो हाउ डू यू डील विद दिस काइंड ऑफ, मतलब जैसे कि अलग अलग दुनियाएं, बिल्कुल अलग अलग दुनिया है बट वो एक ही समय पे चल रही हैं। बिल्कुल सही बात है, और सही बात है, और वो कई बार बहुत परेशान करती है वो बात। हाँ नहीं, बट इस अनुभव से व्हाट स्ट्रेंथ्स हैव यू ब्रॉट बैक टू दिस वर्क दैट यू डू इन द हार्ट ऑफ पॉलिटिक्स? हाँ, तो एक तो ये कह सकती हूँ मैं कि जो छोटी मोटी भी जो समझ बनी गांव के जीवन के प्रति या लोक जीवन के प्रति या प्रकृति और मानव के अंतर संबंध के प्रति, या ये जो मैंने एकाकार होने वाली बात की उसके प्रति, वो मुझे वहीं से मिली, इसमें कोई शक नहीं, मुझे वहीं से मिली। मुझे याद है कि हम लोग बरगढ़ की पहाड़ी चढ़ने वाले थे, और वो कठिन होती है काफी, और उसके बाद फिर अमरकंटक होता है, मतलब वो बरगढ़ की के तलई पे हम थे, बरगढ़ की पहाड़ी चढ़ के उतरने के बाद फिर वो अमरकंटक पहुंचते हैं। तो वहां एक हम लोग, एक वो आदिवासी गांव था, हम चार पांच लोग थे, हमारे साथ ऐसा उस दिन तो उस जिले के भी कोई प्रमुख वॉलंटियर्स या साथी नहीं थे जो कि हमारा किसी से कोई परिचय भी करवा पाते। तो वहां एक आदिवासी सज्जन ही सबसे ज्यादा सेवा करते हैं परिक्रमा वासियों की, और उस सेवा को लोग सदाव्रत कहते हैं, जो मतलब किसी की भी करते हैं, जो भी आते गुजरते हैं उनके लिए। तो हम उनके घर गए तो उन्होंने हमसे पूछा कि आप लोग परिक्रमावासी होंगे, मैं आप सबसे माफी चाहता हूँ कि आज हम सदाव्रत नहीं कर सकते क्योंकि मेरी पत्नी चल बसी। तो हम लोगों ने बड़े उससे कहा कि अरे ये तो बहुत दुखद हुआ। उन्होंने एक क्षण गवाए बगैर कहा कि नहीं, हम बहुत खुश हैं, बहुत मुक्त होकर गई हैं, अंतिम समय तक बहुत अच्छी थी। तो ये जो सहज विवेक जिसको हम कहते हैं, वो आपको ऐसे ही जगह पर जहाँ किसी तरह का कोई मतलब आवरण नहीं है वो दिखाई देता है, जिसके लिए वो विनोबा जी बहुत अच्छे शब्द का उपयोग करते हो, कहते हैं अमावस के चांद की तरह किसी व्यक्ति को होना चाहिए, क्योंकि अमावस का जो चांद है उसका कोई आभूषण नहीं होता, कोई आवरण नहीं यूज करता उसको। वो गीताई में विनोबा जी इसको जगह जगह इसका उल्लेख करते हैं। तो वो व्यक्ति मुझे ऐसे लगे अमावस की चांद की तरह, जिसमें ऐसी खूबसूरती है कि वहां कुछ कोई एक्टिंग वाली कोई बात ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, मतलब इतनी सहजता से उन्होंने हमसे कहा। और फिर हमें एक दूसरे के घर लेके गए कि क्योंकि वो आप लोगों को लेकिन ऐसे अभी हमारे घर से नहीं खाना चाहिए, तो अभी आप उनके घर से दूसरे आदिवासी भाई के घर ले जाए। हाँ, ऐसे सूदक लगा है बहुत बहुत बहुत।
सो रिच, आई कांट थैंक यू इनफ, मीनाक्षी। नहीं, थैंक यू, आई मस्ट थैंक यू।